हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर को और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में ICC द्वारा जारी T20 टीम रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है सी, पाकिस्तान। आइए समझते हैं, हाल ही में ICC द्वारा जारी T20 टीम रैंकिंग में पाकिस्तान पहले स्थान पर है। भारतीय टीम तीन पायदान खिसककर अंतर्राष्ट्रीय T20 रैंकिंग में पांचवें स्थान पर पहुंच गई है। पाकिस्तान के 286 अंक हैं, जबकि साउथ अफ्रीका के 262, इंग्लैंड के 261, ऑस्ट्रेलिया के 261 और भारत के 260 अंक हैं। साउथ अफ्रीका दूसरे और भारत पांचवें स्थान पर है। ICC की स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई में है। इसके चेयरमैन शशांक मनोहर हैं। इसके कुल सदस्य देश 106 हैं। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में नाटो सैन्य गठबंधन के प्रमुख सैन्य अधिकारी के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है डी, टॉड वोलेटर्स। आइए समझते हैं, टॉड वोलेटर्स अमेरिकी वायुसेना के जनरल हैं। उन्हें नाटो मिलिट्री अलायंस का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें बेल्जियम के मोन्स में नाटो के मुख्यालय में शपथ दिलाई गई। उन्होंने जनरल कर्टिस एम स्कापेरोटी का स्थान लिया। जनरल वोल्टर्स का कार्यकाल संभवतः 2 से 3 वर्ष का होगा। नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। आरंभ में नाटो के सदस्यों की संख्या 12 थी, अब यह सदस्य संख्या 29 देश है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लिए एक समिति का गठन किसने किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है बी, पर्यावरण मंत्रालय। आइए समझते हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य 2024 तक कम से कम 102 शहरों में 20 से 30% से कणिका तत्व प्रदूषण को कम करना है। समिति की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के सचिव करेंगे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। प्रश्न नंबर 4, भारत ने किस देश से 10 कामोव 31 हेलीकॉप्टर खरीदने की घोषणा की है? हेलीकॉप्टर 10 हैं और हेलीकॉप्टर का नाम कामोव 31 है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है डी, रूस। आइए समझते हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने रूस से 10 कामोव 31 हेलीकॉप्टर खरीदे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना के लिए खरीदे जाएंगे। अभी केवल 12 कामोव 31 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए नौसेना के पास कामोव 28 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। कामोव 31 हेलीकॉप्टर एक रूसी हेलीकॉप्टर है। इसका इस्तेमाल
रूस, चीन तथा भारत जैसे देश करते हैं। इसमें एक बड़ा एंटीना तथा अर्ली वार्निंग रडार लगा होता है। प्रश्न नंबर 5, इसरो ने 2020 की शुरुआत में सूर्य के अध्ययन करने के लिए एक मिशन शुरू किया है, उस मिशन का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है ए, आदित्य L1। आइए समझते हैं। आदित्य L1 मिशन की संकल्पना दृश्य उत्सर्जन रेखा प्रभा मंडल लेखी नामक नीत भार को ले जाने हेतु 400 किलोग्राम श्रेणी उपग्रह के रूप में किया गया था तथा उसे 800 किलोमीटर निम्न भू कक्षा में प्रमोचित करने की योजना थी। परियोजना को अनुमोदन प्राप्त हो चुका है तथा उपग्रह को श्रीहरिकोटा से PSLV-XL द्वारा 2019 से 2020 के समय ढांचे के दौरान प्रमोचित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में 15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और इसका सही उत्तर है सी, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। आइए समझते हैं। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम 15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद में सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। 16 अप्रैल 2018 को 15वें वित्त आयोग ने सलाहकार परिषद का गठन अरविंद वीरमानी की अध्यक्षता में किया था। इस परिषद का मुख्य कार्य आयोग को किसी भी कार्य विषय पर परामर्श देना, आयोग की समझदारी बढ़ाने के लिए पत्र और शोध अध्ययन की तैयारी में सहायता करना और वित्तीय विकेंद्रीकरण से संबंधित विषयों पर श्रेष्ठ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों की समझदारी बढ़ाना है। 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 25 तक होगा। इसका गठन 22 नवंबर 2017 को किया गया है। इसके अध्यक्ष श्री एनके सिंह तथा प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। 15वें वित्त आयोग द्वारा 2011 की जनगणना को ध्यान में रखते हुए राज्यों के बीच संसाधनों का आवंटन किए जाने की अनुशंसा की गई है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में बिल गेट्स ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के पॉलिसी डायरेक्टर के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है डी, संजय उबले। आइए समझते हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने संजय उबले को गेट्स फाउंडेशन के इंडिया पॉलिसी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। वे इंडिया में गेट्स फाउंडेशन के विभिन्न कार्यों जैसे स्वास्थ्य सेवा और गरीबी उन्मूलन को देखेंगे। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने निम्न में से किस संत की 750वीं जयंती मनाने के लिए डाक टिकट जारी किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है ए, श्री वेदांत देसीकर। आइए समझते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 13वीं शताब्दी के वैष्णव संप्रदाय के प्रख्यात गुरु दार्शनिक एम कवि वेदांत देसीकर की 750वीं जयंती के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। स्मारक डाक टिकट जारी करने का उद्देश्य वेदांत देसीकर को श्रद्धांजलि देने के साथ युवा पीढ़ी को उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रोत्साहित करना है। 268 ईस्वी में जन्मे वेदांत देसीकर वैष्णव दार्शनिक थे और रामानुजा के बाद के काल में वैष्णववाद के सबसे प्रखर
व्यक्तित्वों में से एक थे। वेदांत देशिकन आध्यात्मिक गुरु, एक वैज्ञानिक, तर्कसिद्ध, गणितज्ञ, साहित्यकार, भाषा विज्ञानी और रणनीतिकार भी थे। उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं का आधार शांति और मानवता थी। इनके मुख्य दार्शनिक ग्रंथ परमत भंग और रहस्य त्रेसार तमिल में लिखे गए। प्रश्न नंबर 9। हाल ही में एरोस्पेस स्टार्टअप इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी इंक ने मोमो 3 रॉकेट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है, इसका संबंध निम्न में से किस देश से है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है ए, जापान। आइए समझते हैं, जापान की एरोस्पेस कंपनी इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी इंक ने जापान के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट मोमो को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। यह इंटरस्टेलर द्वारा किया गया तीसरा लॉन्च प्रयास था। इसमें पहले के दोनों प्रयासों में इंटरस्टेलर को असफलता मिली थी। मोमो 3 को जापान के होकाइडो प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए कम लागत वाले वाणिज्यिक रॉकेट विकसित करना है। यह मानव रहित रॉकेट था। यह उड़ान के 10 मिनट बाद प्रशांत महासागर में गिरने से पहले लगभग 110 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया था। प्रश्न नंबर 10। हाल ही में निम्न में से राजस्थान के किस बॉक्सर को बेस्ट बॉक्सर ऑफ एशिया के सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है बी, अरुंधति। आइए समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली कोटा की अरुंधति को बेस्ट बॉक्सर ऑफ एशिया के सम्मान से सम्मानित किया गया है। अरुंधति को यह खिताब बैंकॉक में आयोजित एक कार्यक्रम में 26 अप्रैल 2019 में दिया है। प्रश्न नंबर 11। हाल ही में निम्न में से किसे राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है ए, जस्टिस श्रीपति रविंद्र। आइए समझते हैं, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। राज्यपाल कल्याण सिंह ने राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। जस्टिस भट्ट ने हिंदी भाषा में शपथ ली। वह राजस्थान हाईकोर्ट के 36वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जस्टिस भट्ट व उनकी पत्नी ललित मोहिनी भट्ट भी मौजूद रही। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट के 16 न्यायाधीश जयपुर पहुंच गए थे, उन्होंने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इससे पहले जस्टिस भट्ट दिल्ली हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस पद पर कार्यरत थे। प्रश्न नंबर 12। हाल ही में राजस्थान सरकार ने कितने प्रशासनिक अधिकारियों को राजस्व मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है सी, 6। आइए समझते हैं, राज्य सरकार ने आदेश जारी कर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 6 वरिष्ठ अधिकारियों को राजस्व मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। इनके नाम हैं करण सिंह, नथुराम, सुनील कुमार शर्मा, हरिशंकर गोयल, सुरेंद्र माहेश्वरी, राम निवास जाट। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले करंट अफेयर्स में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था जो था, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी
एशियाई विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? और इसका सही उत्तर है ए, तीसरा। इसका सही उत्तर देने वाले पहले तीन विद्यार्थियों में पहले नंबर पर हैं गजल अरोड़ा, दूसरे नंबर पर बजरंग लाल बिश्नोई, तीसरे नंबर पर रमनदीप सिंह सिद्धू। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए प्रश्न है, 45वां G7 सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? आई रिपीट, 45वां G7 सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं ए, जापान, बी, फ्रांस, सी, अमेरिका और डी, चीन। जल्दी कीजिए, पहले उत्तर देने वाले तीन विद्यार्थियों का नाम कल के करंट अफेयर्स में अनाउंस किया जाएगा। इसी के साथ मैं सुरेंद्र सोनी, संकल्प कंपटीशन ऑनलाइन कोचिंग सेंटर तथा हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर के निदेशक श्री संजय चौधरी की तरफ से आपको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।